वाहिगुरु जी की फतेह। इक बाणी चैनल वेखन वाले सारे दर्शकों नूं जी आयां नूं। तो दर्शको, जिस तरह दे नाल मैं कैप्शन दे विच भी लिखा है कि साडे सारिआं दी मदद दी जरूरत है किसे इक परिवार नूं, ते मैनूं उम्मीद भी है कि साडा इक बाणी चैनल दा परिवार जदों भी किसे नूं जरूरत पैंदी है जां कोई भी गल तुहाडे नाल सांझी कीती जांदी है उसनूं बहुत ध्यान दे नाल सुणदे हो, तां फिर उस गल नूं अमल दे विच भी लिआंदा जांदा है। मेरे वास्ते बहुत औखा होया पिया, कल दी एक वीडियो आई है, लेकिन वो वीडियो एमपी मध्य प्रदेश तो है, एक सिख परिवार दी। बहुत कोशिश की कल लगभग मैं 11-12 बजे तक कि उतो दा कोई कॉन्टैक्ट नंबर मैनू मिले या उथे विजिट करके कोई देखे कि केड़ा परिवार है कि किस हालत दे विच। हालत उन्होंने वीडियो दे विच दसी है कि ना हालातों दे विचों दी वो लंघ रहे ने, पर कोई भी उत्थे मैनू इहो जिहा बंदा लभिया नहीं कि जिहड़ा जाके उन्हां नाल मेरी कोई उन्हां नूं लाइव लवे स्क्रीन यार्ड ते मैं उन्हां दे नाल गल करां, तुहाडे सारिआं दे नाल रूबरू करां उन्हां नूं। पर उन्हां दे घर ना तां लाइट है ते ना ही कोई ऐसा कोई एंड्रॉयड फोन या जिहदे नाल वो मेरे नाल मतलब स्ट्रीम यार्ड ते लाइव इंटरेक्शन मैं उन्हां दे नाल गलबात कर सकां। एक सिख परिवार है, आपां नूं पता है जदों भी सिखा सिख एक इहो जिहे साडे धर्म दे विच, सिख धर्म दे विच साडे परमात्मा वाहिगुरु ने इहो जिही सानूं निम्रता इहो जिही हमदर्दी बख्शी हुई है कि जदों किसे नूं भी पीड़ पैंदी है आपां हमेशा दे हर एक दे लई खड़े हुंदे हां। एक वीडियो सांझी करन जा रही हां, उस वीडियो नूं देखियो फिर उहदे बारे मैं तुहाडे नाल गल्लबात करांगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। बाबा जी, जो आप देख रहे हो, ये साडा परिवार है, ये साडी पत्नी है, ये साडा घर है। और इस घर में हम रहते हैं बाबा जी। ये हमारा किचन रूम है और एक खासे में विकलांग बाबा जी। देखो, जो भी सेवा देना चाहो बाबा जी, आप तुसी देख सकते हो कि साडा हाथ कैसा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो तुसी वेख सकते हो तस्वीरां दे विच इक इह एमपी दे विच रहिंदा इक सिख परिवार है। इह उहनां दा घर है, दो उहनां दे निक्के निक्के मतलब सिर दे उत्ते जूड़े ने, निक्के निक्के दो बच्चे ने। आपां किन्ना इक दूजे दी हमेशा हर एक दी मदद दे लई अगे रहिंदे आ। साडे इक सिख परिवार नूं साडी मदद दी जरूरत है। सब तो पहलां तां मैं इह रिक्वेस्ट करांगी सारिआं नूं, जेकर तुहाडा किते एमपी तक कोई लिंक है तां प्लीज इस परिवार तक पहुंचण दी कोशिश भी करो, क्योंकि साडे वास्ते बहुत औखा एक तो उत्ते तक जाना वाहेगुरु जी का ते। खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पिंडू मट्टी, तहसील वरला, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश। आप जो देख रहे हैं वीर जी, ये उजागर सिंह का मकान है, कच्चा। ये कच्चा मकान है वीर जी उजागर सिंह का। और उजागर सिंह एक हाथ से विकलांग है, जो देश विदेशा विच बैठी संतानों से बेनती करते हैं कि उजागर सिंह नू रोजगार देते लगाया जावे। उजागर सिंह ताले चाबी दा कारोबार करते हैं, ते दे पास ताले चाबी खत्म हो गए, ताले चाबी खत्म हो गए जी। इन्हां नू ताले चाबी की सेवा दी जावे और इन्हां दे घरवाली जैसे सिलाई मशीन। वेख सकते हो इस परिवार ने ना तां इह मंग कीती है कि साडा घर सोहना पा दो या सानू लेंटर पा दो, इहो जी इन्हां ने कोई मंग नहीं कीती। इन्हां ने कहा है कि ताला चाबी दा काम करदे सन उजागर सिंह एक हथ तो विकलांग ने, लेकिन ताला चाबी मुक गए ने, उह कह रहे ने रोजगार दे दिओ। ते नाल उन्हां ने इह भी गल कही सी कि उन्हां दी जिहड़ी वाइफ है उन्हां वास्ते इक सिलाई मशीन है जिहड़ी, उहदा प्रबंध कर दिओ तां जो अपना रोजगार कमा के उह चला सकन, अगां बच्चिआं दा जिहड़ा अपनिआं दा पेट पा भर सकन। तां उन्होंने कोई इहो जिहा, और मैं इह भी गल जरूर कहना चाहांगी जेकर तुसीं इस वीडियो नूं ना वध तों वध शेयर कर दिओ, की पता कोई एमपी तक, क्योंकि आपां नूं पता सोशल मीडिया दे विच इहो जिही पावर है, जदों कोई भी वीडियो शेयर करदे आ तो बहुत अगां तक पहुंच जांदी है। तां हथ बन के बेनती है, इक ते मैं इन्हां दा कॉन्टैक्ट नंबर उपर जरूर मैंशन कर देंगे, तुसीं खुद भी गल कर सकते हो। और दूसरा, जिस हिसाब दे नाल साडे इक बाणी चैनल दे सब्सक्राइबर्स ने, मैं बहुता नहीं कहिंदी, मदद करनी चाहुंदे आ आपां जिवें दसवंध कढ़दे हुंदे आ, तां जिन्ने भी सब्सक्राइबर्स ने, ते जेकर उहो अपणे आमदन दे विचों
ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤਾਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਹ ਗੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਲਾ ਚਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਲਾ ਚਾਬੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ, ਕੱਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮਯਾਰਡ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, 9309279600, 9309279600, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਪੁੱਛਤਾਛ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਉਹ ਦਵੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਘਰ ਮੇ ਹਮ ਰਹਤੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਯੇ ਹਮਾਰਾ ਕਿਚਨ ਰੂਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖਾਸੇ ਮੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ 10 ਪਾਵੇ। 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-10, 5-5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਡ ਮੱਟੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਵਰਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੜਵਾਨੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਆਪ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਕਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਕੱਚਾ। ਇਹ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਕਾ, ਔਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਤਾਲੇ ਚਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਤਾਲੇ ਚਾਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਚਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ
इन्हां दे घर वाले जैसे सिलाई मशीन भी दे दो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। बाबा जी जो आप देख रहे हो ये साडा परिवार है, ये साडी पत्नी है, ये साडा घर है और इस घर में हम रहते हैं। बाबा जी हमारा किचन रूम है और एक हादसे में विकलांग बाबा जी देखो, जो भी सेवा देना चाहो बाबा जी आप तुसी देख सकते हो कि साडा हाथ कैसा है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। पिंडो मट्टी तहसील वरला जिला बड़वानी मध्य प्रदेश। आप जो देख रहे हैं वीर जी ये उजागर सिंह का मकान है, कच्चा ये कच्चा मकान है वीर जी उजागर सिंह का। और उजागर सिंह एक हाथ से विकलांग है, जो देश विदेशा विच बैठी संतानों से बेनती करते हैं कि उजागर सिंह नू रोजगार देते लगाया जावे। उजागर सिंह ताले चाबी का कारोबार करते हैं, तो एडे पास ताले चाबी खत्म हो गए, ताले चाबी खत्म हो गए कि इन्होंने ताले चाबी की सेवा दी जावे और इन्हों के घरवाले जैसे सिलाई मशीन भी दे दे। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤਿਲਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ और इस घर में हम रहते हैं। बाबा जी हमारा किचन रूम है और एक हादसे में विकलांग बाबा जी देखो, जो भी सेवा देना चाहो बाबा जी आप तुसी देख सकते हो कि साडा हाथ कैसा है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पिंडो मट्टी तहसील वरला जिला बड़वानी मध्य प्रदेश। आप जो देख रहे हैं वीर जी ये उजागर सिंह का मकान है, कच्चा ये कच्चा मकान है वीर जी उजागर सिंह का। और उजागर सिंह एक हाथ से विकलांग है, जो देश विदेशा विच बैठी संतानों से बेनती करते हैं कि उजागर सिंह नू रोजगार देते लगाया जावे। उजागर सिंह ताले चाबी का कारोबार करते हैं, तो एडे पास ताले चाबी खत्म हो गए, ताले चाबी खत्म हो गए कि
इन्हां नूं काले चाबी दी सेवा दित्ती जावे और इन्हां दे घरवाली जैसे सिलाई मशीन भी दे दे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। बाबा जी जो आप देख रहे हो ये साडा परिवार है, ये साडी पत्नी है, ये साडा घर है और इस घर में हम रहते हैं। बाबा जी ये हमारा किचन रूम है और एक खासे में विकलांग बाबा जी देखो, जो भी सेवा देना चाहो बाबा जी आप तुसी देख सकते हो कि साडा हाथ कैसा है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पिंडू मट्टी तहसील वरला जिला बड़वानी मध्य प्रदेश। आप जो देख रहे हैं वीर जी ये उजागर सिंह का मकान है, कच्चा ये कच्चा मकान है वीर जी उजागर सिंह का। और उजागर सिंह एक हाथ से विकलांग है, जो देश विदेशा विच बैठी संतानों से बेनती करते हैं कि उजागर सिंह नू रोजगार देते लगाया जावे। उजागर सिंह ताले चाबी दा कारोबार करते हैं, ते दे पास ताले चाबी खत्म हो गए, ताले चाबी खत्म हो गए जी, इन्हां नू ताले चाबी दी सेवा दित्ती जावे और इन्हां दे घरवाली जैसे सिलाई मशीन भी दे दे। जिस तरह के नाल बहुत सारे वीर जिहड़े सेवा दे लई इस परिवार की मदद दे लई अगे आए ने, मैं जरूर उत्थे जिक्र करना चाहवांगी कि जगदमन सिंह जी विच ही कॉन्टैक्ट नंबर दिता है, अगर पॉसिबल होया तो मैं अकाउंट नंबर भी जरूर मैनशन करांगी। ते नाल टी एस बाली जी, अमन जी, बहुत सारे वीर जेडे अगे आए ने सेवा दे लई। और फिर तो सारे नु बेनती है कि असीं बहुत सारे हर एक दी मदद करदे आ, बहुत सारे लंगर भी लाउने आ, पर इह भी एक तुहाडी सेवा ही है किसी एक परिवार दे। जेकर तुसीं देख सकदे हो बच्चिआं दे हालात, अजकल असीं अपने बच्चिआं नु हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करन दी कोशिश करदे, लेकिन अज दे जमाने दे विच वी बच्चे कान्या दी छत दे हेठां रहि रहे ने, बहुत चंगे हालात नहीं हैगे। पर इस वीडियो नूं ज्यादा तो ज्यादा शेयर करो तां जो इह वीडियो एमपी तक भी पहुंचे, की पता उत्थों दा ही कोई कॉन्टैक्ट नंबर निकल आवे और जल्द हो सके कि असीं इस परिवार नूं स्ट्रीमयार्ड दे थ्रू लाइव भी लै सकीए, उहनां नूं तुहाडे रूबरू भी करिए, लाइव गल्लबात भी करिए और उहनां दे घर दे जिहड़े दृश्य नूं कल मैं खुद वीडियो कॉल ते देखे सी, लेकिन उहनां दे कोल अपने कोल ना तां नैटवर्क है ना एंड्रॉयड फोन, तां फिर तो बस बेनती ही कर सकती हाँ मैं कि इस परिवार की जरूर मदद करो। मैनू अपनी इकबानी चैनल के परिवार तो पूरी उम्मीद है सारे मदद के लिए अगे आउणगे। इस वीडियो नू ज्यादा तो ज्यादा शेयर करो, ये वीडियो शेयर करना भी तुहाडा मदद करन दे बराबर ही है। हुण वेला हो गया तुहाडे सारे तो इजाजत लैण दा जी, मैनू दे इजाजत। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।